तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। जबलपुर जिले से चार जिलों के लिए आवंटित होने आया 2666 मैट्रिक टन यूरिया में से करोड़ों का यूरिया गायब हो गया है। जानकारी के अनुसार जबलपुर समेत मंडला, डिंडौरी, दमोह और शिवनी के लिए आई यूरिया के रैक में से सिर्फ 15 से 25 फीसदी यूरिया ही चार जिलों की सहकारी समितियों तक पहुंच सका है, जबकि सैकड़ों टन यूरिया गायब हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि चार जिलों के लिए अलग अलग जांच टीम का गठन कर दिया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर करोड़ों का यूरिया कहां चला गया। आंकड़ों में अगर गौर करें तो 25 अगस्त को रैक के जरिए जबलपुर में 2667 मैट्रिक टन यूरिया पहुंचा। नियम के तहत सप्लायर को 70% स्टॉक सरकारी आपूर्ति के लिए देना होता है, जिसके चलते 1853 मैट्रिक टन यूरिया चार दिनों के लिए आवंटित हुआ। इस यूरिया को कृषि विभाग द्वारा अलग अलग जिलों में खपत के माध्यम से अनुपात में बांटते हुए उनका अलॉटमेंट भी जारी हो गया, लेकिन जिन भी जिलों में यूरिया पहुँचा उनका आंकड़ा 10 से 25% ही रहा, यानी 1000 मैट्रिक टन से ज्यादा यूरिया फिलहाल गायब है या यूं कहें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के अधिकारियों के साथ भोपाल में वर्चुअली बैठक, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मैं इस पूरी घटना की जानकारी चाहता हूँ, ये गड़बड़ कैसे हुई, कहाँ हुई, किसने की, कौन बताएंगे, कमिश्नर बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे। सर, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है सर, ये करप्पू फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये उन 7 कंपनियों में से एक है जो जबलपुर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर को सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा एक अलग परिवहन कर्ता को नियुक्त किया गया है फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए। डीपीएनके फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी ने ही ये फर्टिलाइजर को नियुक्त किया है जो परिवहन करता है। तो ये जो रैक थी सर, ये रैक लगने की सूचना मिली थी 25 तारीख को, और 25 अगस्त को, और उनको प्रोग्राम दे दिया गया था कि इस रैक में जो 2600 मेट्रिक टन यूरिया आया है वो किस जिले के किस डबल लॉक में पहुंचाया जाना और कितना पहुंचाया जाना। इन्होंने 28 से 31 के बीच में ये परिवहन, ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया, ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? ये बिल्कुल तो फिर कैसे ये घटना है सर? ये जैसे रिपोर्ट हुई है सर, इनसे कल ही रिपोर्ट उनकी फाइनल हुई है, तो सर आज वो कार्रवाई कर लेंगे सर। IG बैठे और SP बैठे, तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया है? इस पे काम कलम जैसे चलता होगी। हाँ, इनका धाराएं कौन कौन सी लगेगी बताओ? इसमें जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है, 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर, तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें FIR होगी सर। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम फिर बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर गया इवन खाद दे दिया, इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।